दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे। लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इस पंक्ति को जिया है। 2019 के लोकसभा चुनावों को बड़ी चालाकी के साथ मीडिया ने दो चेहरों की लड़ाई बना दी, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। कांग्रेस उस चुनाव को हारी, राहुल गांधी आहत हुए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी को मनाने लगे, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़े रहे। अंततः चार पन्नों की एक चिट्ठी के साथ उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि आगे वे इस पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हुआ है वो ये कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया और अब राहुल गांधी की जगह कौन लेगा। राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह छिपी हो सकती है 1963 के कामराज प्लान में। के कामराज उन दिनों मद्रास के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2 अक्टूबर 1963 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को एक सुझाव दिया। सुझाव ये कि तमाम बड़े नेता जो मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे वो इस्तीफा दें और लोगों के बीच जाकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश करें। के कामराज ने ये सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस लोगों से दूर जा रही है। इन चुनाव परिणाम के बाद राहुल गांधी भी वरिष्ठ नेताओं से खासे नाराज दिखे। सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि कुछ नेता केवल अपने बेटों के लिए लड़ते रह गए। मुमकिन है कि राहुल गांधी इस इस्तीफे के जरिए उन नेताओं को एक संदेश दे रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि ज्यादातर विरोधी कांग्रेस को वंशवाद के कारण घेरते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के अशोक गहलोत और कमलनाथ, जिन पर पुत्र मोह के कारण पार्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे, कड़ा संदेश देना चाहते हैं। खैर, राहुल गांधी की जगह लेने के लिए जिन नेताओं की चर्चा चल रही है उनमें सबसे आगे है मोतीलाल वोरा, सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इन तीनों ही नेताओं की उम्र को देखते हुए कांग्रेस के लिए ये फैसला शुभ होगा इसकी संभावना कम दिखती है। एक ऐसा दौर जब इस पार्टी को आत्ममंथन के दौर से गुजरना चाहिए था, ये पार्टी भावनात्मक बाढ़ के दौर से गुजर रही है। इस पार्टी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखते रहिए पॉलिटिक्स, संभालते रहेंगे ऐसी खबरें आप सभी के सामने। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। नमस्कार। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। पॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।